मेरा नाम है सुनील मंजू और पार्क व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू लेके आए ये मज़दा RX-8 है, बट इसके अंदर थोड़ी चीज़ डिफरेंट ये है कि इसके अंदर एक रॉकेट बनी किट आती है वो लगी हुई है और इसको बड़ा खूबसूरत कलर में रैप किया है। मेरे साथ अब्दुल्ला मेमन मौजूद है। कैसे अब्दुल्ला, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अब्दुल्ला, अपनी गाड़ी के मेक मॉडल और ईयर बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए। सर ये 2003 मज़दा RX-8 है, ठीक है, 2005 की रजिस्टर्ड है ये। इसके अंदर हमने रॉकेट बनी किट इंस्टॉल की है, इसको थोड़ा सा एक वाइड लुक दे देती है। सही। इसके अंदर हमने इंजन स्वैप किया हुआ है, बेसिकली 1.3 रोटरी होता है। सही है। लेकिन हमने इसके अंदर 2JZNA जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अच्छा, ये गाड़ी आपके पास कब से है? सर ये गाड़ी मेरे पास 2 साल से है। जहन में RX-8 ही थी या आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेके फिर रहे थे कि यार मैंने इतने में कोई गाड़ी लेनी है तो फिर ये आ गई? हाउ वाज द परचेज एक्सपीरियंस? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये गाड़ी मैंने थोड़े से ऊपर पैसों में ली थी। वैसे नॉर्मल RX-8 हमारे यहाँ 10 से 12 लाख रुपए की मिल जाती है स्टॉक, ठीक है, लेकिन सनरूफ वाली RX-8 जो है ना वो बहुत कम है पाकिस्तान में। सही है। तो मैंने इसको थोड़े से ऊपर कॉस्ट में तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास जो है ना मैंने ये बाई की थी। सो तकरीबन 2020 में आपने 15 लाख रुपए से गाड़ी खरीदी? यस। अगर मैंने स्टॉक ली थी, नॉट रॉकेट बनी, स्टॉक अपनी थी और मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक वाली है बिकॉज मुझे इसके पैडल शिफ्टर नजर आ रहे हैं, बाद में आपने इसको मैनुअल किया। अच्छा, तो 15 लाख में आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिली जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी, उसमें सनरूफ थी, जापानीज मेड थी। बिल्कुल। और इंजन उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा था इसका? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा था। आपका डिसीजन जो है वो RX-8 के ऊपर ही क्यों था? कि आपने पहले से सोचा हुआ था या आपने और भी कोई चीज कंसीडर की थी इस गाड़ी के? मैं दरअसल वैसे मेरे पास इससे पहले थी गोल्डन कलर की RX-8। अच्छा, वो मैंने पार्क व्हील्स ऑटो शो में देखी जिसके डिग्गी पे टेडी बेयर बैठा था। यस यस यस, वो आपकी थी। अच्छा, एग्जैक्टली। फिर एक दफा पिंक पैंथर भी था मेरे ख्याल वो इस वाली में था, इस पे था। अच्छा, मुझे ऑटो शोज पे याद है बिकॉज ऑटो शो पे रश इतना होता है, मुलाकात डिटेल में नहीं हो सकी। मैंने स्टॉक RX-8 रखी हुई थी, फिर मुझे था कि मैंने वो बेची, इसके बाद मैंने बोला जाएंगे किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन फिर मैंने इसको स्टडी किया रॉकेट बनी के ऊपर। सही है। इंटरनेशनली ये बड़ी फेमस है रॉकेट बनी, इसके ऊपर रेडबुल वालों के पास भी है। सही। और वो एक कैन ब्लॉक जो ड्रिफ्टर है बहुत बड़ा, उसने भी रखी हुई थी रॉकेट बनी उसके अंदर RX-8। मैंने बोला फिर ये वाला प्रोजेक्ट करते हैं और फिर ये पूरे पाकिस्तान में वन एंड ओनली है। सो ये मैं कह रहा था रॉकेट बनी RX-7 तो आई नो ऑफ 2, लेकिन RX-8 मेरा ख्याल ये वाहिद है रॉकेट बनी। ठीक है, तो इसकी किट आपने खुद सोर्स की? Yes. उसका ओरिजिनल किट थी, कॉपी किट थी, क्या था? ताकि लोगों के लिए मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बनानी है, जिसको शौक है। थी नहीं ना पूरे पाकिस्तान में किसी के पास, ठीक है, तो हमने जो है फिर वो इसको इम्पोर्ट किया अलीबाबा के थ्रू। सही है। उस वक्त हमें पड़ी थी $3,200 की, ठीक है, और आज ये है $5,200 की। अच्छा, विदाउट स्पॉइलर डॉलर्स को अगर कन्वर्ट कर ले तो तकरीबन 6 लाख रुपए। यस, ठीक है। और स्पॉइलर इसका है $2,000 का, ठीक है, तो तकरीबन ये उस वक्त मुझे $5,000 की पड़ी थी, आज ये है $8,000 की, ठीक है। किट, फिर हमने किट मंगवाई और फिर इसको इंस्टॉल किया। कम से कम ये गाड़ी मुझे आप समझें 1.5 साल लगा तैयार करने में। 1.5 साल जिसमें गाड़ी की किट शामिल है। अच्छा, मैकेनिकल पे भी बातें हैं। आपने इंजन जो चेंज किया वो किट के बाद किया पहले किया? पहले किया, पहले किया। हाँ। अच्छा, और उसकी रीज़न क्या थी? रोटरी हमारे यहाँ आपको पता है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, ख्याल रखो तो रिलायबल है, लेकिन सबने हमारा वेदर इतना हार्ड हो जाता है कि वो नहीं सपोर्ट करता। सही है। और मैं, मेरा एक है कि डेली ड्रिवन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, जैसी भी हो लेकिन डेली ड्रिवन हो। ठीक है, तो आपने अभी खराब होने से पहले ही किया कि खराब हो गया फिर? नहीं नहीं, मैं वो खराबी की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो आपने कहा कि इससे पहले कि बिल्कुल। हाँ, और फिर रॉकेट बनी करने के बाद, किट शिट लगने के बाद जो ना आप ये स्वैप वैप के काम नहीं कर सकते हो। हाँ, फिर तो चीजें बड़ी क्योंकि सेंसिटिव है, टूट ना जाए, ये ना हो जाए। बिल्कुल। तो आपने पहले स्वैप किया? पहले स्वैप किया मैंने, फिर उसके बाद किट की मार्किंग मैंने करवा ली थी, क्योंकि किट्स के अंदर जो है ना पूरी गाड़ी के फेंटर्स कटते हैं, ठीक है, बैक फेंटर्स कटते हैं और डिगी के साइड मोल्डिंग जो सब बनते हैं। सही है। फिर जो है वो, और ये जो किट का मटेरियल है, क्या मटेरियल, इसका वेट कितना है? ये सारा फाइबर है, इतना ज्यादा कोई वेट नहीं है। ओवरऑल पूरी किट मिला के आप वेट करेंगे तो 50 किलो की भी नहीं होगी। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग आई विल बी वेरी ओपन टू यू, मैं बड़ा कन्वर्जन के खिलाफ हूं। मैं कहता हूँ यार, जो जेन्युइन इंजन पे जो गाड़ी की सेटिंग है ना, वो ब्रेक्स की सारा कुछ कैलिब्रेशन हुई भी है, तो जब आपने इसको अपग्रेड किया तो पहला डिसीजन तो ये कि ऑटो से मैनुअल का डिसीजन कैसे लिया? मैनुअल का डिसीजन
मुझे थोड़ा सा शौक है साइडवेज डोनट्स शोनट्स करने का ना, ठीक है। ऑटो के अंदर RX-8 इतनी कामयाब नहीं है डोनट्स के अंदर और साइडवेज के अंदर, सही है। वो फॉरन शिफ्ट कर जाते हैं दूसरा तीसरा गियर, ठीक है। रैप देते हो तो वो तो ये कराची में जो ब्रेकर है कार ब्रेकर इनसे कैसे गुजारते हैं, ये जो किट शीट टूटती नहीं है बिल्कुल, ये क्रॉस करके पीछे वाले सबर कर लेते हैं। हां हां, क्योंकि मैंने अपनी RX-7 एक्सपीरियंस किया है, पीछे वाले हॉर्न पे आता रहता है, मैं ट्रैफिक में निकालता ही नहीं गाड़ी। अच्छा अच्छा, मसला ट्रैफिक में निकालने का एक और भी है कि मुझे डर लगता है कि अभी यहाँ से कोई रिक्शे वाला आया या अभी कोई बाइक वाला आया, तो इससे बेहतर है कि वो बेचारे देख मेरी गाड़ी को रहे हो तो उनको स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता, ठीक है। वो जब ब्रेक मारते हैं तो इसके बाद वो इधर उधर ही जाते। तो फिर एवरीडे ड्राइवर के लिए एक और गाड़ी रखनी पड़ेगी सर? सर वो तो है अपने पास, लेकिन ये बेसिकली ऐसी है कि ये खड़ी नहीं होती कहीं, बीइंग एन आई कैंडी और इस तरह, हाँ, उस तरह नहीं आप चला सकते, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके अंदर अगर हम इंटीरियर में देखें तो आपने बड़ा रेड ये लगाया किया हुआ है, इसकी जो ये भी साथ इसके डिजाइन किया गया था पहले के बाद बताई सही सब बाद में किया, सब बाद में इससे मैचिंग करके जब बॉडी किट लग गई, क्योंकि ये पहले थी सिल्वर गाड़ी का, ओरिजिनल कलर सिल्वर है, ठीक है। फिर ये हुई येलो, सही है, येलो से मैचिंग पे मैंने ये सब रेड किया था। अच्छा, सो ओवरऑल अगर हम इसको देखें आपको किट मिला के कन्वर्जन मिला के ये गाड़ी अराउंड 3 मिलियन कॉस्ट कर गई तकरीबन इसके पास, ठीक है, तकरीबन इसके पास। और डू यू थिंक कि 3 मिलियन के अंदर जब आपने क्योंकि स्टेप्स में लगाए होंगे पैसे लेकिन आफ्टर ऑल लग गए हैं, सो आपका ख्याल से 3 मिलियन में इज इट वर्थ द मनी, आपको जो इसकी आउटपुट मिलती है अगर आपके जाते हैं लोगों को पसंद आती है, हाउ डू यू फील? मुझे बिल्कुल, मैं तो मतलब समझता हूँ कि मेरे वो 3-4 दफा वसूल हो चुके पैसे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ बॉडी किट नहीं, आपने मैं अभी आपको डिग्गी दिखा, मैंने भी डिग्गी देखा था, आपने मेरा ख्याल है वो डिग्गी वाली तो, जो मेरा मूव है उसको सीरियस ले लिया है, हाँ। आपने डिग्गी के लिए टीवी भी लगा दी है तो अब अगली तस्वीर डिग्गी से टीवी के साथ, तो ये सिस्टम भी पूरे पाकिस्तान में किसी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, ये बाहर मैं अगर देखे तो यूएस वगैरह में ना, अगर खासतौर पर टोक्यो ड्रिफ्ट वगैरह मूवी देखे तो उसमें दिखाते थे कि जी एक स्टाइल है कि जी लोगों का जिनका म्यूजिक का शौक है उनके लिए डिग्गी के अंदर भी पूरा सेटिंग है, तो मेरा ख्याल है इस वन ऑफ इस काइंड गाड़ी जिसके डिग्गी में भी आपने स्क्रीनें वगैरह लगाई हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो उसमें मेरी तस्वीर का तो कोई हाथ नहीं था कि आपने कहा तस्वीर डिग्गी में बैठ के अगर इंसान लॉक हो जाए तो टीवी देखे बैठ के, लेकिन वो खैर इस जैसे ये जो आप बोल रहे थे ना कि बजटेड के हवाले से 3 मिलियन के अंदर, मेरी ये चीज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वसूल हो चुकी है, सही। सब चीजें जो है ना मैं इतने ऑटो शोज में गया हूँ और इतनी जगहों पे गया हूँ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। और मतलब कोई है, किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला कि यार ये वर्थ नहीं है, ठीक है, जो इतना खर्चा किया ना ये वर्थ नहीं, ये शुक्र है लगा किसी ने मुझे आज तक नहीं बोला। सवाल है अगेन अजरा जो कहते हैं ना रस्म के तौर पे पूछ रहा हूँ, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं होता, ना ही मेरे ख्याल से इस तरह की गाड़ी के रखने वाले को होता है, लेकिन फिर भी इसकी फ्यूल एवरेज को आईडिया क्या देती है आपको? थोड़ा बहुत तुझे का अंदाजा होगा, मुझे है लेकिन फिर भी लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, मैं अगर इसको बहुत तरीके से चलाता हूँ तो ये 7-8 देती है मुझे, ठीक है। और मैं अगर इसको थोड़ा बदतमीजी चलाएं तो 4 पे आ जाती है, ठीक है। सो बिटवीन 4 एंड 7 एंड अगेन मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो लुक्स हैं जो इसकी एक यूनिकनेस है उसके साथ ये जो है जस्टिफाइड है। अच्छा, इसका जो कलर है बड़ा यूनिक है, ये डर के आगे जीत है वाला कलर जो आपने किया है, ये माउंटेन ड्यू से इंस्पायर होके किया था, क्या रीजन थी इस कलर को सिलेक्ट करने के भी? हमने इसके ऊपर करना था रोज गोल्ड, ठीक है, और हम जा भी रहे थे रोज गोल्ड की तरफ। अच्छा, रोज गोल्ड वो जो एप्पल के आईपैड वगैरह में भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसका क्रोम जो है ना वो डल हो रहा था हमारे गर्मी वेदर की वजह से, सही है। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या ऑरेंज या ग्रीन, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन समझ नहीं आया तो हमने अलग नाम लेके इसको ग्रीन कर दिया। और ये कितनी देर से हुआ है? ये अभी महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, इसको महीना भी नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे मोटरसाइकिल, ये आपने जो रैप का डिसीजन लिया है कराची में, तो मोटरसाइकिल और रिक्शों की जो मेहरबानी है, तो अगर ये अगर स्क्रैच क्रूच हो जाएगा तो फिर दोबारा पूरा रैप करेंगे? हाँ, जो पीस पे लग जाता है अल्लाह ना करे कोई पीस डैमेज। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने ब्रेकर अभी तक क्रॉस कर रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर परफॉर्म कर रही है, नहीं लग रही? हाँ ऐसे ही है, मैंने इसमें बेसिकली कॉइल ओवर्स भी डाले हुए ना। अच्छा, उसके हिसाब से मैं इसकी हाइट भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने इसको थोड़ा ऊपर किया हुआ? यस, मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया हुआ। और जब इंजन अपग्रेड किया था तो ब्रेक्स भी की? नहीं, ब्रेक्स इसके स्टॉक से। अच्छा, मैंने क्योंकि 2J ने स्टॉक ही रखा है ना, ठीक है, तो वो इसके साथ वो सिंक्रोनाइज कर जाता है, सही। डिफ मैंने चेंज किया, डिफ नहीं क्योंकि इसका जो डिफ था वो LSD नहीं था, सही है। उस पे ये कि इसने 2 डिफ तोड़े। हम अगले यही कहना था कि ट्रैक्शन होती है RX-8 में वो तो डीएक्टिव हो गई। हां, वो डीएक्टिव हो गई। ABS मैंने इसका ऑन करा लिया था, ठीक है। ABS बेसिकली इसका ऑफ था, वो भी मैंने इसका ऑन करा लिया था। ट्रैक्शन इस पे ऑफ है, सही। सो बेसिकली इट्स अ शो कार। एग्जैक्टली, शो कार भी है, ड्रिफ्ट कार भी है, मैं इस पे डोनट्स ड्रिफ्ट नॉर्मली रेगुलर करता रहता हूँ, सही। और उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है, अगर एक आम तौर पे अगर देखा तो मेरे ख्याल बीइंग 2J इसके अंदर पार्ट्स तो सारे टोयोटा के लगेंगे। टोयोटा के लगते हैं इसके अंदर इंजन पार्ट्स, और मैं सिर्फ इसके अंदर
इसके ऑयल जो है वो हर 1000 किलोमीटर पे चेंज कर देता हूँ। अच्छा, मैं ऑयल के ऊपर इसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। सही, ब्रेक पैड्स चेंज करता हूँ, एयर फिल्टर मैं यही इसके साथ ही चेंज कर लेता हूँ। सही, तो मुझे जो है ये इंजन दुख नहीं देता। क्या आर एक्स 8 के बॉडी पार्ट लाइटें आज तक मिलती हैं अभी? सर अलहमदिल्ला मिल जाती है सब, न्यू और यूज। सर न्यू तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, आर एक्स 8 का न्यू तो कुछ भी नहीं मिलता, सब यूज मिलता है। और यूज में कितना को इजी मिल जाता है? इजी मिल जाता है, सब कुछ इजीली मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है। अच्छा, और पंजाब से अच्छी सोर्स हो जाती है बनिस्बत कराची के। ठीक है, और ये गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड कराची है? यस। तो टोकन वगैरह सब कराची? नंबर भी 888 है, यहाँ पे दिखा दीजिए, इस पे कैमरे में नजर आएगा 888 है। हाँ, ये एक जमाने में ट्रेंड था कि RX 8 का नंबर 888 होगा। ये भी मुझे किस्मत से मिली है। अच्छा, जब सौदा हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद उस बंदे को भी शायद याद नहीं था कि वो नंबर प्लेट के अलग से, वरना एक आम ट्रेंड है ना हमारे यहाँ के जी, गोल्डन नंबर है। तो उसके तो गोल्डन नंबर मैंने देखा है, वो लेते हुए होता है, बेचते हुए सब गोल्डन सिल्वर ब्राउन सब बराबर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही सही। तो व्यूअर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, एक डिफरेंट कार थी। और अगर आप भी ऐसी डिफरेंट कार खरीदना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं। याद रहे, यूज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कर लें, जो कि 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्राइस करती है, जिसके अंदर इंजन, सस्पेंशन, बॉडी, पेंट, तमाम चीज़ें आपको घर बैठे हुए पता लग जाती हैं और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 0422111943357 पे कॉल करके भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, ये अगेन पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ दिस पैकेज हैं। अब आप जब कोई गाड़ी नहीं ले रहे होते हैं उसकी प्राइस में, या एक गाड़ी को बिल्ड कर रहे होते हैं उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इस तरह की टीयरिंग प्रॉब्लम या छोटी मोटी चीज़ें आपको विद टाइम इग्नोर करनी पड़ती हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।